फिर से फल तुड़ाई का समय आ गया है। सेब के पूरे सीजन में आपने जितनी मेहनत की है, अब उसका आनंद लेने और इनाम पाने का वक्त आ गया है। अब तुड़ाई तो हो गई, तो क्या अब आराम का समय है? बिल्कुल नहीं। फल तुड़ाई के बाद का समय अगले साल के सेब की फसल के लिए पोषक तत्वों के भंडार को फिर से भरने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखें, फल तुड़ाई के बाद अगली फसल की पैदावार के लिए आप जो तैयारी करते हैं, उसी से आपकी अगली फसल की गुणवत्ता और उत्पादकता निर्धारित होती है। तो फल तुड़ाई के बाद अब करना क्या है? सेब का पेड़ पोषक तत्वों को अपने तने में इकट्ठा करता है। फल तुड़ाई के बाद जिन पोषक तत्वों का प्रयोग आप अपने पेड़ में करते हैं, पौधे उसे अपने अंदर इकट्ठा कर लेते हैं। ये पोषक तत्व पेड़ की कलियों, छाल और जड़ों में जमा हो जाते हैं। अगले वर्ष वसंत में जब नई फसल आती है, तो वो अपनी शुरुआती अवस्था में पहले से इकट्ठा इन्हीं पोषक तत्वों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए फल तुड़ाई के बाद आपके पौधों को पोषक तत्वों से वापस भरना बहुत महत्वपूर्ण है। पत्तियों के मुरझाने और झड़ने से पहले ही आपको अपने पेड़ों में पोषक तत्वों का प्रयोग कर देना चाहिए। वैज्ञानिक साक्ष्य और स्थानीय शोध के अनुसार यारा ने सेब की फल तुड़ाई के बाद के लिए एक संपूर्ण और संतुलित पोषण प्रोग्राम तैयार किया है, जिसका प्रयोग करके आप अपने पेड़ों की शुरुआती अवस्था में लगने वाले पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं और अपने पेड़ों की उत्पादकता को बनाए रख सकते हैं। फल तुड़ाई के बाद सही मात्रा में प्रयोग होने से आपके पेड़ हर साल आपको अच्छा उत्पाद दे सकने में समर्थ रहेंगे। ऑन ईयर ऑफ ईयर की समस्या भी पेड़ों में नहीं आएगी। यारा मिला कॉम्प्लेक्स एक अनोखा NPK उर्वरक है, जिसके हर दाने में NPK एवं मैग्नीशियम है। ये नाइट्रोजन का एक संतुलित स्रोत है। इसमें उच्च गुणवत्ता का फास्फोरस होता है, जो अगले वसंत में कलियों, शुरुआती जड़ों और नए टिश्यूज के विकास को अच्छी तरह बढ़ाने में मदद करता है। यारा मिला कॉम्प्लेक्स में स्थित SOP आधारित पोटाश अगले सीजन में नए पौधों के टिश्यूज के शुरुआती विकास को बढ़ाता है और पेड़ की उत्पादकता को अधिकतम करता है। यारा लेवा नाइट्राबोर कैल्शियम और बोरोन के साथ मिलकर पेड़ को तुरंत नाइट्रोजन प्रदान करता है। जड़ों के तेजी से विकास का समय फल तुड़ाई के बाद पुनः शुरू होता है। जड़ों के विकास को अच्छा एवं तेजी से होने के लिए मिट्टी में कैल्शियम आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। इसके अलावा तुड़ाई के बाद जो कैल्शियम पेड़ों में इकट्ठा होता है, वो नए सीजन में जड़ और पत्तियों के विकास को बढ़ाने में मदद करता है। बोरोन ये सुनिश्चित करता है कि नए सीजन में आपके पेड़ों में फूल और फल अच्छे एवं भरपूर आएं। यारा वीटा जिंट्रैक यारा का नए जमाने का जिंक उत्पाद है। ये आपके पेड़ों में अगले सीजन के लिए जिंक के प्रभावी भंडारण में मदद करता है। ये पौधों में ऑक्सिन हार्मोन्स के संश्लेषण के लिए जरूरी होता है, जो कि बर्ड वर्स्ट और अच्छी वृद्धि और विकास के साथ ही अच्छे फल देने के लिए जिम्मेदार होता है। यारा वीटा बोट्रैक यारा का एक फॉर्मुलेटेड लिक्विड बोरोन उत्पाद है। ये पेड़ों में बोरोन के प्रभावी भंडारण में मदद करता है और पेड़ों में शुरुआती बोरान की आवश्यकता की पूर्ति करता है। बोरोन फर्टिलाइजेशन की क्रिया को नियंत्रित करता है, जिससे फूल और फल गिरते नहीं है। फल सेटिंग अच्छी एवं ज्यादा होती है, साथ ही फलों का आकार सुंदर और सुडौल रहता है। डॉक्टर YS परमार हॉर्टिकल्चर एवं फॉरेस्ट्री विश्वविद्यालय नौड़ी सोलन में हाल ही में आयोजित परीक्षण में फल तुड़ाई के तुरंत बाद यारा के सभी रिकमेंडेड उर्वरकों का परीक्षण किया गया और इन परीक्षण से ये निष्कर्ष निकला कि फल तुड़ाई के बाद उर्वरक प्रयोग का बहुत ही ज्यादा महत्व है। सही समय पर फल तुड़ाई के बाद, लेकिन पत्तियों के गिरने से पहले सही मात्रा में यदि आप अपने पेड़ों में बताए हुए उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, तो उससे फल की सेटिंग, सेब की उपज और फलों की गुणवत्ता में काफी सुधार होता है। फल तुड़ाई के बाद पोषक तत्वों का प्रयोग करने से पेड़ अपनी खोई हुई एनर्जी को पुनः अपने अंदर इकट्ठा कर सकते हैं, जिससे आपके पेड़ ऑफ ईयर ऑन ईयर की समस्या से भी प्रभावित नहीं होते हैं और आप हमेशा उनसे फल ले सकते हैं। जैसे ही सर्दी का मौसम समाप्त होता है, पेड़ के अंदर इकट्ठा हुए पोषक तत्व फिर से पत्तियों के विकास, फूल खिलने, फलों के निर्माण और विकास के लिए ईंधन तैयार कर देते हैं। इसलिए फल तुड़ाई के बाद पेड़ में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व इकट्ठा करने की आवश्यकता होती है। सेब की उच्च पैदावार बनाए रखने के लिए यारा पोस्ट फसल प्रबंधन कार्यक्रम को अपनाएं और साल दर साल अच्छी पैदावार पाएं।